हेलो एवरीवन, वेलकम टू मर्लिन मास्टर मील्स। आप सबका स्वागत है, वेलकम है सबका। तो आज हम बनाएंगे ये चौली, इसको चौली बोलते हैं, ब्लैक आइड बीन्स। तो आज इसका ग्रेवी बनाएंगे। तो उसके लिए लगेगा ये दो कांदा, ये नारियल मैंने काट के रखा है, इसका जूस निकालेंगे, और ये गार्लिक, और ये मसाला, मिक्स मसाला, और थोड़ी सी हल्दी। मिक्स मसाला है 2 चम्मच। तो ये अभी उबालेंगे हम, इसमें 2 सीटी लेंगे बस। इसमें थोड़ा नमक लगा के, नमक डाल के उबाल देंगे, स्वाद अनुसार जितना आपको लगता है उतना, बाकी का फॉर्मेलिटीज़ बाद में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, वो फ्री है आपके लिए, तो फटाफट कर दीजिए। फिर बनाते हैं अपना चौली उसल। ये मैंने तेल डाला 1 चम्मच। अब डालते हैं हींग, हींग डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें गैस होता है चवली में। अब डालेंगे ये लहसुन, लहसुन को ब्राउन करके फिर डालेंगे प्याज। हो गया अपना लहसुन ब्राउन। अब डालेंगे ये प्याज, मैंने लिया था 2, एक छोटू एक बड़ा लिया था। प्याज को थोड़ा ब्राउन करेंगे। तो अपना प्याज जो हो गया है ब्राउन, अभी डाल देंगे मसाला, ये इसको अच्छे से तेल में करेंगे। अब डालेंगे अपना चौली जो हमने कुकर में उबाला था। ये देखो चौली अपना उबल गया। इसमें हमने नमक डाला था उबालते टाइम, तो अभी नमक की ज़रूरत नहीं है। अगर लगेगी तो डाल सकते हैं लास्ट में। अभी हम डालेंगे ये नारियल का दूध जो हमने लिया था। ये देखो एकदम मस्त बन गया। ये तो इसका मीठा भी बनता है चावल के साथ, ये जो चौली है इसका, तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इसका। वेरी गुड, वेरी नाइस टेस्ट। या तो अब इसको उबलने देते हैं। ये देखो अपना चौली की रसेदार सब्जी तैयार है। तो अब डालेंगे ये करी पत्ता और धनिया मारेंगे थोड़ा। बहुत मस्त बन गए, चावल के साथ भी खाओ, रोटी के साथ भी खाओ, पाव के साथ भी खा सकते हैं। तो गैस करते हैं बंद, रेडी है चौली। ये देखो अपना चौली रेडी है, बहुत मस्त बन गई है। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्यूज एंड एवरीथिंग व्हाट यू विल डू फॉर मी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस।